प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बदनावर उपचुनाव को लेकर बदनावर से भाजपा के उम्मीदवार राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के समर्थन में सभा करने कानवन पहुंचे। इस दौरान मंच से उन्होंने क्षेत्र के विकास, नर्मदा परियोजना सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात कही। साथ ही प्रदेश की मंत्री इमरती देवी पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा किए गए कटाक्ष को लेकर जमकर निशाना साधा और रामायण एवं महाभारत में नारी अपमान के उदाहरणों से प्रदेश से कांग्रेस के विनाश की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं तो इसी प्रदेश की मिट्टी में पैदा हुआ हूं, कमलनाथ बताए वे कहां से आए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी निशाना साधते हुए कमलनाथ द्वारा महिला के अपमान पर उनसे जवाब मांगा है और कमलनाथ पर विभिन्न कटाक्ष से हमला करते हुए भाजपा को भारी बहुमत से उपचुनाव में विजय दिलाने का मौजूद लोगों से आह्वान किया। सभा में मंच पर मुख्यमंत्री के अलावा भाजपा के उम्मीदवार राजवर्धन सिंह दत्ती गांव सहित बड़ी संख्या में जिले एवं क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। पूरे आयोजन के दौरान सभा में मौजूद अधिकांश लोग बगैर मास्क के देखे गए और सोशल डिस्टेंस को लेकर भारी लापरवाही देखने को मिली। एक ओर कोरोना महामारी से बदनावर चुनाव लगातार प्रभावित होता दिख रहा है। बीते दिवस ही चुनाव ड्यूटी में आए पुलिस के जवान भी संक्रमित पाए गए एवं लगातार जिले एवं क्षेत्र के भाजपा नेता कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में उपचुनाव होते होते कोरोना महामारी क्षेत्र के लिए बड़ी समस्या खड़ी ना कर दे, यह चर्चा भी क्षेत्र में आम हो चली है। ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, अमूल्य है। ईश्वर हमें सब कुछ देता है, सुख समृद्धि ऐश्वर्य सत्ता धन वैभव, लेकिन ये कुछ भी स्थायी नहीं होता, क्षणिक है, आता जाता है और पुनः अर्जित किया जा सकता है। लेकिन एक चीज ऐसी है, समय काल परिस्थिति जो लौट के नहीं आती, जो सत्य है, अटल सत्य है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये समय बदनावर का है, ये भाग्योदय का समय है। इस समय की हमने प्रतीक्षा आजादी के बाद से आज तक निरंतर करी और जो अधिकार आपको मिला है, जो सत्ता में भागीदारी आपको मिली है, उसका श्रेय शिवराज सिंह जी को जाता है कि उन्होंने बदनावर को अधिकार दिया, हक दिया, हमें आज समूचे विकास के द्वार हमारे लिए खोले। मैं बस एक छोटा सा प्रश्न आपके जहन में छोड़ के जाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये कण्व ऋषि की धरती है कानवा, यहाँ पे आप पधारे, पधारते ही हमने आपने मिलकर राष्ट्र के वैभव महाराणा प्रताप जी का अभिनंदन स्वागत किया, मालार्पण किया। परेशान मत हो राजवर्धन सिंह जी, अरे ऊपर से ही आजकल कांग्रेस ये कर रही है, यहाँ की क्या बात कर रहे हैं। वहां देख लो कमलनाथ जी और आ गए, नवरात्रि चल रही है, अभी हमने बेटियों के पूजा की, मैंने उनके चरण छुए। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, हम मां बहन और बेटी के चरण छू के उनको प्रणाम करते हैं, उनका मान सम्मान और इज्जत ये हमारी संस्कृति और संस्कार में। यत्र नायस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां मां बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, वहीं भगवान निवास करेंगे, यह हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है। मैं डर भी जाता हूं, मैं बेटियों के चरण छूता हूं, चरण पढ़ता हूं, और कमलनाथ जी आपको क्या हो गया है, 74 साल की उम्र है आपकी, आपके साथ आपके मंत्रिमंडल में हमारी एक बहन जो आज मंत्री है, बहन इमरती देवी जी, कल डबरा गए और उनके बारे में जो शब्द बोले बहन और भाइयों, मैं तो दोहरा नहीं सकता। आप सबने टीवी पर देखा होगा, उनकी इज्जत तार तार की गई, उनके सम्मान से खिलवाड़ किया गया, और जब हमने विरोध किया तो इतनी निर्लज्जता कि मैं तो नाम भूल गया था। अरे तुम्हारे मंत्रिमंडल में जो सदस्य रही उसके ही नाम भूल जाओ तो तुम्हें मुख्यमंत्री का नेता प्रतिपक्ष रहने का भी हक नहीं है, अधिकार नहीं है, नाम भूल गया। अब चोरी और सीना जोड़ी,
कह रहे आइटम तो हम सब हैं, मैं भी आइटम हूं, तुम भी आइटम हो, बारे आइटम। अगर कोई घर में मां बहन बेटी से जाके आइटम कह दे तो सहन कर पाओगे क्या मेरे बहनों और भाई? और हम कुछ भी सहन कर ले, लेकिन बहन और बेटी का अपमान हिंदुस्तान की धरती सहन नहीं कर सकती, मध्यप्रदेश की धरती सहन नहीं कर सकती। इमरती देवी की आंखों में आंसू है जब वो गरीब घर में पैदा, किसकी उसकी इज्जत तार तार की जाएगी? मजदूर से मंत्री बन गई मेहनत और समर्पण के बल पर, इसलिए उनका अपमान किया जाएगा। याद रखे कमलनाथ जी, ये वो धरती है कि सीता मैया का अगर रावण ने अपमान किया था तो वंश में नाम लेवा पानी देवा नहीं बचा था, नाम लेवा पानी देवा। और जब द्रौपदी जी का अपमान हुआ था तो दुर्योधन और दुशासन का क्या हाल हुआ था, ये कभी मत भूलना। मैं सोनिया गांधी जी से कहना चाहता हूं, आप पैदा हो, आप भी मां बहन और बेटी रही हो, क्या आपकी पार्टी का नेता नेता प्रतिपक्ष अगर इस तरह अपमान करे किसी बहन का तो आप सहन कर पाओगी क्या? आपको जवाब देना होगा, मध्यप्रदेश की जनता जवाब मांगती है, और अगर आप जवाब नहीं देती तो हम ये मानेंगे कि आप भी कमलनाथ के विचारों से सहमत हैं। क्या हो गया कांग्रेस? मुझे कहा शिवराज सिंह चौहान नालायक है, कानवन वालों में आपको नालायक लगता हूं? अरे जोर से बताओ, मैं नालायक हूं क्या? फिर और बोले, कहने लगे ये तो नारियल लेके घूमता है। तो नारियल लेके नहीं घूमू तो क्या शैंपेन की बोतल लेके घूमू? अरे मेरी माटी ने मुझे नारियल के संस्कार दिए, नारियल भगवान को भी चढ़ाते हैं, देवी जी को भी चढ़ाते हैं, और मेरी जनता अगर विकास का काम मांगती है, कानवन वाले कहते हैं कालेज का भवन बनाओ तो हम कालेज का भवन बनाने के लिए भूमि पूजन करते हैं और नारियल फोड़ देते हैं, हम विकास के नारियल फोड़ते हैं। नर्मदा मैया का पहला फेज ये कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, आप ईमानदारी से कानवन में बता दो मेरे बहन बता, अगर शिवराज सिंह चौहान नहीं होता तो क्या कमलनाथ नर्मदा ले आते यहां? दिल से बताना, ले आते क्या? जब इनकी सरकारें थी तो कहते थे अरे छिपरी नर्मदा नहीं मिल सकती, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। मुझे पता था कानवन वालों, धार किला हो चाहे निवार मालवा हो, अगर बचाना है केवल नर्मदा मैया का पानी ही एक विकल्प है, उसे मैंने तय किया। असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है, मैं नर्मदा जी का पानी लाऊंगा लाऊंगा और लाऊंगा। पहला चरण स्वीकृत हो गया। राजवर्धन जी, हमारे कैमरा जी बैठे, चिंता मत करना, दूसरा चरण भी स्वीकृत कर रहा हूं, इस इलाके के खेतों तक नर्मदा मैया का पानी लेके आएंगे। अब हम नर्मदा जी का पानी लाते हैं और नारियल फोड़ते हैं तो वो कहते नारियल लेके घूम रहा है, अरे तुम्हारी किस्मत फूटी थी, तुम्हारी किस्मत में नारियल फोड़ना ही नहीं था, मैं क्या करूंगा? तुमने कोई विकास का काम नहीं किया, विकास का काम करते तो नारियल फोड़ते। और ये मेरे उद्योग मंत्री राज्यवर्धन जी आपके सामने खड़े, चर्चा हो गई है, उद्योग लाएंगे और स्थानीय नौजवानों को 75% कम से कम रोजगार देंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब हम उद्योग लाएंगे तो नारियल फोड़ेंगे, तुम्हें कहा को तकलीफ हो रही है? अरे फोड़ूंगी नहीं मैं नारियल, बता तो दो। नारियल फोड़ता नारियल लेकर घूमता है और फिर कहने लगे ये तो कलाकार है, कलाकार। अब मैं कलाकार दिख रहा हूं, कहने लगे शाहरुख खान और दूसरा कौन है, सलमान खान को बात दे रहा है। मैंने आईने में मेरी सूरत देखी। एक बात बताओ कमलनाथ जी, आपको शाहरुख खान, सलमान खान, कैटरीना कैफ, जैकलीन फर्नांडिस ये क्यों याद रहते हैं?
कभी गांव गरीब धनु पन्ना कल्लू मन्ना चन्ना रामलाल श्यामलाल, इन गरीबों की याद आती है रे कभी, कभी के खेतों में कभी आए, कभी गांव गांव की गलियां देखी, गरीब याद नहीं किसान याद नहीं, और हम खेतों में उतरते हैं तो उनको तकलीफ होती, कहते गलत आ रहे। सुन लो कमलनाथ जी, तुमने ढेला नहीं दिया था फसल बीमा योजना का, 198 करोड़ धार जिले में आया है, जल्दी खातों में आएगा, चिंता मत करना, और जिनका रह गया उनकी भी फिर से जांच करवा रहा हूं, वो भी चिंता की सरकार। मैं गया तो खाते में पैसा आना बंद हो गया था, बोलो सही बात है कि नहीं? अरे दिल से तो बोलो सही है कि नहीं? इन्हें कभी ढेला भेजा खाते में? अब मामा आ गया है, चिंता मत करना, कसर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं किसानों को देता हूं, कहते कलाकार है और आगे बढ़े, काय को परेशान हो रहे राजवर्धन जी, हमें कह दिया नंगा भूखा है, शिवराज तो नंगा भूखा है। हाउ कमलनाथ जी, तुम तो सेठ हो भाई, उद्योगपति कमलनाथ, सेठ कमलनाथ, लेकिन इतना कहता हूं मैं तो मध्य प्रदेश की धरती पर ही पैदा हुआ, इस जमीन में मैंने जन्म लिया, और जन्म भी भैया मेरा अस्पताल में नहीं हुआ, कच्चे घर में हुआ था, मेरा गांव जो है भाई मेरा नरा गला है। तुम्हारा नरा कहां गला है? तुम कहां के रहने वाले हो? कलकत्ता के हो कि कानपुर के हो कोई नहीं जानता, क्या मध्य प्रदेश समझते हो? मध्य प्रदेश की माटी की सोनी सुगंध तुम्हें पता है? कभी मध्य प्रदेश की जनता का दर्द जाना है? कभी गरीबों की तकलीफ में काम आए हो? अरे तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? जिंदगी में दो बार आए, और मामा ने तो धार जिले खून खाया, कितनी बार आया जब